आज भी तंत्र मंत्र के नाम पर भोले भाले लोग ठगे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के भिलाई शहर में आर्य नगर कुहका में श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्ति पीठ की स्थापना की गई है, जहां आम जनमानस को ये बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में कोई ना फंसे, क्योंकि ये क्रिया केवल पूजा पाठ के ही काम आती है। श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्ति पीठ की स्थापना भिलाई के आर्य नगर कोका में हो चुकी है और इस शक्ति पीठ का एकमात्र उद्देश्य है कि जो लोग तंत्र मंत्र के नाम से पाखंडी के हाथों ठगे जाते हैं, उन्हें जागरूक करके तंत्र मंत्र की बारीकियों को बताकर उनका ज्ञान बढ़ाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में वे तंत्र मंत्र के नाम पर ठगे ना जा सके। इस शक्तिपीठ की स्थापना का कार्यक्रम 31 जनवरी से ही प्रारंभ हो गया था, जो कि 6 फरवरी को संपन्न हुआ। इन दिनों लगातार मां महाकाली का भंडारा भी साधकों एवं भक्तों द्वारा लगाया गया था, जिसमें आसपास के क्षेत्रवासियों के अलावा दूर दराज से लोग भी बड़ी संख्या में आकर मां महाकाली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और भंडारे में महाप्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। इस शक्तिपीठ की स्थापना को लेकर परम पूज्य सद्गुरु श्री पवनानंद नाथ जी ने न्यूज टीम को जानकारी दी और बताया कि विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोग अब भी काफी भोले भाले हैं और ऐसे आडंबरों पाखंडियों के चक्कर में तंत्र मंत्र के नाम पर फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को इस विद्या के बारे में सही जानकारी देकर जागरूक करना इस शक्तिपीठ की स्थापना का मूल उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि तंत्र मंत्र विद्या भी एक पूजा पाठ करने का तरीका है, जो कि एक विशेष वर्ग द्वारा विश्व कल्याण एवं जनहित में किया जाता है और इस तंत्र मंत्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसे लेकर कोई भी दुविधा किसी के मन में है तो वो जरूर इस शक्तिपीठ में एक बार आए और जानकारी लें कि यह विद्या किस काम आती है। भिलाई क्षेत्र से बहुत से भक्त मेरे से लगभग 16 वर्ष से जुड़े हुए थे, आना जाना 16 वर्ष से था और हम अधिक आए हैं और लोगों की भौतिक व्याधियों का ज्यादा से ज्यादा निराकरण करें और आज के टाइम में जो तंत्र मंत्र जंत्र के नाम पर जगह जगह लोग लूट मचा के रखे हैं, अनेक वेशभूषाधारी लोग क्षेत्र में फैल गए हैं, कोई भय से आक्रांत करते हैं, कोई भयभीत करके कहते हैं और लोगों को लूट रहे, ठग रहे, अंधविश्वास समाज में फैला रहे हैं। तो अपनी स्थापना का उद्देश्य है कि तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका जैसे विषयों से लोगों को सही से अवगत कराना है कि वास्तव में है क्या और इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है और आज के समय में इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। तंत्र मंत्र एक पूजा प्रणाली है जो भगवान शिव के द्वारा पृथ्वी पर लाया गया है और विशुद्ध रूप से कोई भी व्यक्ति भगवान का उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आज तंत्र मंत्र के नाम पर लोग लूटते हैं, डराते हैं। कोई व्याधि बीमारी हो गई तो पहले ही बता दे कि ऊपर का हो गया है, कोई कुछ कर दिया है, ऐसा भय क्या वातावरण बना करके लोग पब्लिक को लूट रहे, घूम घूम करके जनता को लूट रहे हैं, कुछ काल्पनिक चमत्कार दिखाते हैं, कुछ झांसे में लोगों को फंसाते हैं, अक्सर माताएं बहनें ज्यादा उलझ जाती है। तो उद्देश्य ये है कि क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही इस प्रचलन हम देखे, आते आने जाने क्रम में काफी लोग हमसे जुड़े और ऐसे ही बोले कि वो ये परेशानी वो परेशानी, वहाँ गए तो बाबा ये ले लिए, वहाँ गए तो बाबा ऐसे बोले, फिर भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ गए तो कोई सोना ले लिया, कोई चांदी ले लिया, कोई रुपया ले लिया, कोई घर से बता के मत करो, ऐसे ले आके दे दो और हम लोग ठगे गए। तो वो एक आधार बना कि निश्चित रूप से अभी भी समाज में अंधविश्वास की पकड़ है और ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुतायत से देखा गया, जहाँ जहाँ शिक्षा की कम प्रचार है, जहाँ लोग शिक्षित कम है, वहाँ ऐसा आडम्बर और पाखंड का साम्राज्य हो चुका है। हाँ, जनमानस को सही बताया जाए कि तंत्र क्या होता है, जंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है और ये काल्पनिक चमत्कार लोग दिखाते कैसे हैं। हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से अंधविश्वास मिटाने का प्रयास करेंगे। कहीं बाबा लोग आग लगा देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं, कहीं कुछ दिखा देते हैं, ये होता कैसे है। अपना उद्देश्य लोगों को बताना और कहीं भी लोग जाए और ऐसे पाखंडियों के बीच में फंसे तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है और न विश्वास करने की जरूरत है। अगर ये करने में हम सफल हो गए तो समझें कि छत्तीसगढ़ का ये मंदिर बनाना हमारा साकार हो गया।
और सफल हो गया हमारा प्रयास। यही उद्देश्य यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना। 6 फरवरी स्थापना कार्यक्रम के अंतिम दिन भी माँ महाकाली एवं श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्ति पीठ के दर्शन करने लोगों की भीड़ दिखाई दी। और अब आम जनमानस भी इस बात को लेकर थोड़ी राहत महसूस कर रहा है कि इस शक्ति पीठ में तंत्र मंत्र विद्या की सही जानकारी उन्हें उपलब्ध हो पा रही है। एक गुरुदेव की आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा बनी कि गुरुदेव ने यहाँ पे कोका क्षेत्र में अपना कृपा दृष्टि लगाते हुए उनको लगा कि इस क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में तंत्र मंत्र हावी हो रहा है, उसको रोकने के लिए महाकाली मंदिर की स्थापना की गुरुदेव जी ने, जो कोका क्षेत्र में, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्राम कोका में इस प्रकार के मंदिर का स्थापना हुआ, महाकाली मंदिर का। माता गुरुदेव के कहे अनुसार इस मंदिर में जब भी लोग आएंगे उनको तंत्र मंत्र से मुक्ति मिल जाएगी, जादू टोना से मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरह से शक्तिपीठ की स्थापना करने वालों ने न्यूज टीम को जानकारी दी है, ऐसी जानकारी पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि माँ महाकाली और तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठगने वाले आडंबरों और पाखंडियों पर रोक लगाई जाए, जिससे पूरे भारतवर्ष में इन विद्याओं के नाम से उत्पन्न होने वाले भय को समाप्त किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।